वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। आज 17 फरवरी 2019 को जनाब अमजद रज़ा हनफ़ी ने पूना से सवाल किया है ग्रुप में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल, हज़रत आका व मौला इमाम आज़म अबू हनीफा सरकार के ताल्लुक़ से ये बात कही जाती है कि इमाम साहब ने अपनी पूरी उम्र में कभी बकरईद की नमाज़ नहीं पढ़ी। बराए मेहरबानी इस बात पर रोशनी डालें और जवाब से नवाजें। जी हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तबारक व तआलन व रदा हुआ ने अपनी हयात मुबारका में कभी ईदुल अज़हा की नमाज़ नहीं पढ़ी है। ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। लेकिन अब इस बात की वजह समझे बगैर, इसकी इल्लत जाने बगैर आपकी बारगाह में ज़बान तान को दराज करना और आप पर सब्बो शतम करना, आपकी शान घटाना, ये हिमाकत है। और ख़ास तौर से फ़िरक़े नौमौलूद गैर मुकल्लदीन की जानिब से ऐसा होता है। और इमाम आज़म अबू हनीफा के करोड़ों मुकल्लदीन को वरगलाने के लिए इस तरह के वो लोग शोशे छोड़ते हैं ताकि आम जहनों में ये बात बैठ जाए कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला माज़ अल्लाह सुम्मा माज़म अल्लाह बदअमल थे, जो ईद तक की नमाज ना पढ़ते थे। और इस तरह लोग आपकी तकलीद का पट्टा गले से उतार कर आज़ाद हो जाएं और कुरान और सुन्नत में मनचाही तशरीह करके अपना बेड़ा गर्क कर लें। लेकिन गैर मुकल्लदीन की ये मुराद कभी पूरी नहीं होगी, चूँकि इसका जवाब हमारे पास माकूल मौजूद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक ही है। हजरात, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इमाम आज़म अबू हनीफा चारों अइम्मा में सबसे ज़्यादा इबादत गुजार थे। आपके मामूलात में ये बात शामिल थी कि आपने 45 साल तक इशा की वजू से फजर की नमाज अदा फरमाई, 45 साल तक। और इसके अलावा रमदानुल मुबारक में आप 60 मरतबा कुरान करीम का ख़त्म फरमाते, यानी रोज़ आना, दो कुरान करीम मुकम्मल फरमाते, ये कोई मामूली बात नहीं। नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक, अवाबीन और पूरी रात जागना, दरस व तदरीस, कुरान व सुन्नत से मसाइल निकालना, इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार शख्स और ऐसा खुदा रसीदा बुजुर्ग, भला वो ईद की नमाज अगर छोड़ रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है? वजह सुन लीजिए। इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला की पैदाइश कूफा शहर में हिजरी 80 में हुई, इस पे सबका इत्तेफाक है। रिवायतें इससे पहले की भी हैं लेकिन हिजरी 80 पे सबका इत्तेफाक है। और विसाल आपका हिजरी 150 में हुआ, इस पे भी सबका इत्तेफाक है। तो यूं आपने 70 साल की उम्र शरीफ पाई। और आपकी सीरत लिखने वालों में शवाफ़े उलमा ज़्यादा हैं, तो सभी ने ये बात लिखी है कि आपने अपनी उम्र मुबारक में 55 हज अदा फरमाए हैं, अपनी ज़िंदगी में कुल 55 हज अदा फरमाए। तो पहला हज जो आपने किया है वो 15 साल की उम्र में किया है, और आप जो बालिग हुए हैं, बुलुगत को पहुँचे हैं, वो 16 साल की उम्र में। और नाबालिग पर नमाज ईद हो या नमाज पंजकाना हो, वो फ़र्ज़ नहीं है, न नमाज ईदैन वाजिब है। अब आपने 15 साल की उम्र से पहला हज फरमाया और साले विसाल तक यानी दुनिया से जाने तक आप हज फरमाते रहे 55 साल तक। और ये मसला मुत्तफ़क़ुन अलैह है, ये सब जानते हैं कि हाजी पर नमाज ईद नहीं है। हज के मौके पे इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला मक्कतुल मुकर्रमा में होते थे और हाजी नमाज ईद नहीं पढ़ता है। तो अब इन गैर मुकल्लिदों से पूछो, क्या कोई ऐसी रिवायत है आपके पास जिसमें हाजी पर नमाज ईद हो? नहीं है। तो फिर इमाम आज़म अबू हनीफा नमाज ईद पढ़े क्यों? चूँकि ईद के मौके पर वो मक्कतुल मुकर्रमा में होते थे और हज की गरज से आप तशरीफ़ ले जाते थे। अब सोचिए, जिसने उस ज़माने में जब सफ़र की कोई सहूलत नहीं थी आज की तरह, आज से 1290 साल पहले, 1300 साल पहले 55 हज अदा फरमाए हों, वो कितना बड़ा मुत्तकी, परहेजगार, अमानतदार, दयानतदार, खुदा रसीदा बुजुर्ग होगा, उसकी इबादतों का आलम क्या होगा। तो बेशक इमाम आज़म अबू हनीफा ने बकरईद की नमाज न पढ़ी, लेकिन उसके न पढ़ने की वजह यह है कि उस मौके पर आप हज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे और हाजी पर नमाज ईद नहीं है।
تو غیر مقلدین جب عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ بتاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ عید کی نماز نہ پڑھتے تھے تو ساتھ میں وجہ نہیں بتاتے ہیں. میری گزارش ہے کہ اس آڈیو کو سننے کے بعد جتنے حنفی گل مذہب ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے سچے مذہب کی پیروی کرتے ہیں وہ عوام الناس تک اس آڈیو کو پہنچائے. اللہ تعالی ہم سب کو دین حق کا مذہب حنفی کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وعلیکم السلام.